बड़वानी जिले में आज 7 स्थानों पर 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। बड़वानी 2, सेंधवा 3, पानसेमल 1, देवला 1, ठिकरी 1, ओझर 1, खेड़ी 1। यदि बात पॉजिटिव मरीजों की करें तो बड़वानी बोरलाय में 2, सेंधवा के मोतीबाग गली नंबर 1 में 3, पानसेमल में खड़की रोड पर 1, देवला में 1, ठिकरी प्रॉपर में 1, ओझर प्रॉपर में 1 और खेड़ी के डावरिया फलिया में 1 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अब बड़वानी जिले में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2729 हो चुका है। वहीं 2598 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। अब 106 मरीजों का उपचार बड़वानी, सेंधवा व इंदौर के अस्पतालों में जारी है। वहीं अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आज 17 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की उपचार के बाद छुट्टी हुई है। इसी के साथ बड़वानी जिले में आज 213 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई। हेल्थ बुलेटिन के आधार पर अब तक बड़वानी जिले से 54,870 लोगों के सैंपल जांच हेतु भेजे गए थे, जिसमें से अब तक 50,032 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई, 2,729 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, वहीं 1,356 लोगों की रिपोर्ट अभी प्राप्त होना बाकी है। बड़वानी स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ चंदा सोलंकी नामक ANM ने खुद से 10 साल छोटे फेसबुक मित्र जिला खरगोन निवासी धीरज चौहान से विवाह किया। चंदा सोलंकी ने बताया कि फेसबुक फ्रेंड धीरज मुझसे बड़वानी मिलने आया और उसने बताया कि 1 जनवरी को उसका जन्मदिन है और जन्मदिन का उसने मुझसे तोहफा मांगा था। मैंने पूछा क्या चाहिए तोहफे में, तो उसने बताया कि वह मुझसे शादी करना चाहता है, तो मैंने भी उसका प्रपोजल स्वीकार कर लिया और 31 दिसंबर को हमने शादी कर ली। चंदा सोलंकी ने इस तरह जीवन में आए जीवन साथी को लेकर फेसबुक को धन्यवाद दिया। चंदा ने बताया कि वह 2 साल से फेसबुक चला रही है और 1 माह पूर्व ही धीरज से उसकी फेसबुक के माध्यम से बातचीत शुरू हुई, जिसके बाद धीरज बड़वानी आया और 31 दिसंबर को दोनों ने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह कर लिया है, जिसके बाद अब दोनों खुश है। 2 साल से फेसबुक चला रही हूँ और फेसबुक पर मेरा एक फ्रेंड है धीरज चौहान फ्रॉम खरगोन, और उनसे मेरी 1 महीने से मतलब बातचीत चल रही थी और 12 तारीख को उसका कॉल आया कि मुझे मैडम मुझे मिलना है, तो वो 12 तारीख को बड़वानी मिलने के लिए आया था और 22 तारीख को उसका कॉल आया कि मैडम मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपको बहुत ही मतलब ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो 1 तारीख को मेरा जन्मदिन है और इस जन्मदिन पर आप मुझे क्या तोहफा देंगे, तो मैंने बोला आपको क्या चाहिए, तो बोले कि आप मुझसे शादी कर लीजिए और इससे बड़ा तोहफा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, तो 31 के दिन हमने शादी कर ली है। तो बहुत अच्छा लग रहा है और फेसबुक फ्रेंड मतलब फेसबुक वालों का मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि फेसबुक के जरिए मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, तो तहे दिल से फेसबुक को मैं धन्यवाद देती हूँ। मेरा नाम चंद्रता सोलंकी है, मैं गवर्नमेंट जॉब में नर्स की पोस्ट पर हूँ और मेरे मिस्टर प्राइवेट जॉब में करते हैं, प्राइवेट जॉब। बड़वानी शुक्रवार दोपहर को नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले नर्मदा घाटी के लोगों ने जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कारपोरेटीकरण का विरोध करते हुए अडानी अंबानी के प्रोडक्ट का बहिष्कार किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जियो सिम को जलाकर अपनी नाराजगी प्रकट की। इससे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटकर सहित आंदोलन से जुड़े लोगों ने अपने संबोधन में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। शहर के झंडा चौक में हुए इस प्रदर्शन में नर्मदा बचाओ आंदोलन, संयुक्त किसान मोर्चा तथा अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के बैनर तले नर्मदा घाटी के किसान, मजदूर, मछुआरों, केवटों, आदिवासियों के द्वारा कारपोरेटीकरण का विरोध किया गया। सेगांव श्री गौड़ ब्राह्मण समाज की महिलाओं ने आज तहसील कार्यालय पहुंचकर श्रीमती नीना पाठक व आरती त्रिवेदी के नेतृत्व में समाज की महिलाओं ने प्रदेश के गृह मंत्री के नाम हत्यारों को फांसी की सजा की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि परिवार की बेटी मृतिका गरिमा उर्फ प्रियंका चतुर्वेदी को उसके हत्यारे पति अभिषेक चतुर्वेदी ने 25 दिसंबर को नहर में गिराकर मौत की घाट उतार दिया था, वो उसे दुर्घटना दर्शाया था। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि हत्यारे पति को फांसी की सजा दी जाए।